सेक्टर 1 क्रिकेट स्टेडियम के समीप वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के नेतृत्व में ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण के बाद जनता कार्यालय का उद्घाटन क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा किया गया। कार्यालय में समूचे भिलाई क्षेत्र की जनता की शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे शहर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी गई, साथ ही ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी गई। इसी कड़ी में सेक्टर 1 क्रिकेट स्टेडियम के समीप वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की अगुवाई में ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अपनी सहभागिता दी। स्केटिंग करते आए बच्चों के आने के पश्चात ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भी हुआ। आयोजन में मौजूद घोड़े सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। राष्ट्रीय ध्वज लेकर घोड़े में बैठकर फोटो खिंचाने महिलाओं पुरुषों में होड़ लगी रही। ध्वजारोहण पश्चात वशिष्ठ नारायण मिश्रा के द्वारा बनवाए गए जनता कार्यालय का उद्घाटन क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक द्वारा किया गया। जनता कार्यालय में संपूर्ण भिलाई क्षेत्र की जनता की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कार्यालय में फ्री वाईफाई जोन की सुविधा भी प्रदान की गई है। आयोजन की जानकारी पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने दी। आज भिलाई में पहली बार जनता का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और साथ साथ में आजादी के अमृत महोत्सव में, आजादी के 75वीं वर्षगांठ में घर घर तिरंगा के साथ लोग रहे, इसको लेकर एक प्रयास किया गया है कि सभी घर के लोग तिरंगे के साथ आज दिन भर रहें और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाएं। और मैं सभी भिलाई वासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, खूब खूब बधाई देता हूं। आज काफी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष है, पूरा देश घर घर तिरंगा के अभियान के साथ जुड़कर अपने आप को तिरंगा के साथ आज 13 तारीख से जोड़ के रखा हुआ है। मैं सभी भिलाई वासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर खूब शुभकामनाएं, खूब बधाई देता हूं। और भिलाई में आज एक प्रयास हुआ है कि लोगों के कार्यालय नेताओं के हुआ करते थे, अब जनता का ये पहला कार्यालय खुला है और जनता की समस्या का समाधान इस कार्यालय के माध्यम से पूरे भिलाई के लोगों के लिए किया जाए। बहरहाल ध्वजारोहण के इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आए लोगों को निःशुल्क तिरंगा झंडा प्रदान किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।